सत श्री अकाल दैनिक सवेरा तुहाडा स्वागत है ते मैं हरमन। दिल्ली के मुख्य मंत्री अते कन्वीनर अरविंद केजरीवाल अज अमृतसर पहुंचे जिथे भगवंत मान समेत तमाम लीडरां वल्लों उन्हां दा स्वागत किया गया। दस दी कि अरविंद केजरीवाल अज अकाली दल संयुक्त दे जथेदार सेवा सिंह सेखवा नाल मुलाकात करन लई आए हन। दस्या जा रहा है कि सेवा सिंह दी तबीयत खराब होने के चलते केजरीवाल उन्हां दा हाल जानन लई आए ने। उत्थे सेवा सिंह सेखवा दे आम आदमी पार्टी च शामिल होने दे वी कयास लगाए जा रहे ने। केजरीवाल दे श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ते पहुंचन ते सारी लीडरशिप वल्लों उन्हां दा स्वागत किया गया। तुसी भी देखो उस समय दीआं इह तस्वीरां। दिल्ली दे सीएम अरविंद केजरीवाल श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर च पहुंच चुके ने और उन्होंने अज गुरदासपुर जाना है, सेखवा पिंड जाना जिथे कि सेवा सिंह सेखवा दा हाल चाल जानने वास्ते पहुंचे हुए ने और उन्होंने नाल आम आदमी पार्टी पंजाब दी लीडरशिप भी मौजूद है। भगवंत मान, राघव चड्ढा, जरनैल सिंह, कुंवर विजय प्रताप सिंह, हरपाल सिंह चीमा अते होर भी लीडरशिप पहुंची हुई है। और तस्वीरें तुसी देख सकते हो, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके ने अमृतसर एयरपोर्ट ते गुरदासपुर के पिंड सेखवा रवाना हो रहे हैं। तंदासी अज अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे ने जिथे कि उन्होंने सेवा सिंह सेखवा ने मुलाकात करनी है। दसा जा रहा है सेवा सिंह सेखवा जी कि कुछ दिनों तो उन्होंने तबीयत ठीक नहीं है तो अज उन्होंने पता लैन वास्ते अरविंद केजरीवाल खास तौर पर दिल्ली तो अमृतसर पहुंचे हुए हैं। और तुम देख सकते हो उन्होंने काफिला जोड़ा है हूँ अगले पड़ाव वाल रवाना हो रहा है। दस दिए पहले उन्होंने सर्किट हाउस में ठहरना है तो उसके बाद गुरदासपुर के पिंड सेखवा वाल रवाना होना है। कैमरा पर्सन मुकेश धवन, सिकंदर पसरी झा, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर। दिल्ली तो आए अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी के लीडर ने भरवां स्वागत किया। इस मौके विरोधी धिर के नेता हरपाल सिंह चीमा भी मौजूद रहे जिन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे बारे बयान देंदे हुए कहा कि बहुत जल्दी वह पार्टी वालों मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर देंगे। सेवा सिंह सेखवा बारे बोलते उन्होंने कहा कि सेखवा साहिब ने लंबे अरसे तो पंजाब के लोगों की सेवा की है। उन्होंने हाल चाल जानने लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे ने। देखो हजे तो सेवा सिंह सेखवा जी दस सकते हैं गे कि उन्होंने सियासी भविख की आ कि पार्टी जाना नहीं जाना, पर लेकिन अज अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ उन्होंने मिलने दिल आ रहे हैं। लगातार सीएम फेस जरा नहीं गल कर पा रही आम आदमी पार्टी, पिछली 2017 की गल की है तो उदो भी सीएम फेस जी ऐलान नहीं किए जा रहे। हाले किसी भी पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरे का ऐलान नहीं किया, ना कांग्रेस पार्टी ने, ना अकाली दल ने, ना बीजेपी ने, ना किसी और पार्टी ने। आम आदमी पार्टी वेट एंड वाच की स्थिति में समा आने के उत्ते आम आदमी पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बिल्कुल ऐलान करूगी। वेट एंड वाच की स्थिति से जी कोई वेट एंड वाच की सिचुएशन तो नहीं है, बिल्कुल अजे असं अपनी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हो गई उस बाद बिल्कुल असं मुख्यमंत्री का चेहरा दे के इलेक्शन लड़ांगे। बड़े ठोक बजा के कहने कि इस बार आम आदमी पार्टी जी है मुख्यमंत्री चेहरे मैदान चुत। कांग्रेस पार्टी च मचे घमसान नूं लै के आम आदमी पार्टी दे एमएलए मीत हेयर ने कैप्टन ते सिद्धू ते तंज कसे। मीत हेयर ने कहा है कि कांग्रेस दी सारी टीम रल के पंजाब नूं लुटदी रही है, पहला सारे कैप्टन दे पिछे सी ते हुण सिद्धू दे पिछे घूमदे हन। इन्हां दे वख होण नाल वी लोकां नूं कोई फायदा नहीं होना ते इकट्ठे होण नाल वी लोकां नूं कोई फायदा नहीं हो रहा। कांग्रेस ने पहला भी पंजाब दे लोकां लई कुछ नहीं कीता ते हुण भी कुछ नहीं करना। देखो कार्डोकलेशन ना भी होवे उहदे नाल आम आदमी पार्टी की फर्क पैंदा, फर्क पैंदा पंजाब दे लोकां नूं, चाहे वह एक दूजे जफ्फियां पाउण, चाहे एक दूजे डांगा मारन, लोगों नूं तां कुछ नहीं मिल रहा ना। जे एक दूजे नाल रल मिल के चल पैणगे उहदे नाल भी पंजाब दे लोकां नूं कोई फायदा नहीं होना। अज जो काडो कलेश हो रहा उहदे नाल भी लोगों ना कोई फायदा नुकसान हो रहा। लोकां तां उत्थे दे उत्थे खड़े आ, वादे कोई 4.5 साल च कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पूरे नहीं किए। अमरिंदर सिंह तां कहिंदे 85% वादे पूरे करते, तुसीं कहिंदे कोई पूरे नहीं किए, तुसीं दसो होगे पूरे? अमरिंदर सिंह कह रहे हैं जी इत्थे आ इन्नी पब्लिक खड़ी है, किसी नूं पुछ लो। एक वादा भी जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया होवे पूरा नहीं होया। सारे घर घर नौकरी तो लैके करजा माफ़ी तो लैके गरीबों नूं प्लॉट देने तो लैके बड़ी वड्डी वड्डी गल्लां कीतियां गईयां सी, इंडस्ट्री नूं सस्ती बिजली तो लैके लोगों दीयां चीकां कढ़ातियां पिछले 4.5 सालां च। सो लोग पंजाब दे जाणदे आ कि जिवें 10 साल अकाली भाजपा ने पंजाब नूं लुट्टिया, इत्थे माफिया राज जिहड़ा चलदा रहा उमी 4.5 साल तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दे राज चलता रहा। नाले उह कल्ले नहीं चलाउंदे रहे, आ जिहड़े सिद्धू साहब बड़ा रौला पाउंदे सी जी माफिया चलदा जे चलदा, नवजोत सिंह सिद्धू नूं कुर्सी नाल प्रेम नहीं, पंजाब दे मुद्दे हल होने चाहीदे आ। अज कुर्सी मिलन तो बाद
जिहड़े नवजोत सिंह सिद्धू की कार च बैठे एक चलाउंदा हुंदा एक नाल बैठा हुंदा एक दे घरे लंच डिनर करन जांदे हुंदे आ ये सारे लोग ही सी जिहड़े कैप्टन दे नाल मिलके पंजाब नूं लुटदे रहे ने। सो सारी टीम जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल सी अली बाबा चाली चोर वाली वो सारी टीम हुण नवजोत सिंह सिद्धू दे पिछे खड़ी है। सो पंजाब दे लोकां नूं कोई उम्मीद नहीं, रेत माफी शराब माफी वाले कदे पंजाब नूं पैरां सिर खड़ा नहीं कर सकदे। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू वालों लगातार बिक्रम मजीठिया नूं अपने निशाने ते लिया जांदा ते हुण एक बार फिर तो सिद्धू ने मजीठिया ते निशाना साध्या। नवजोत सिद्धू ने हाईकोर्ट च मजीठिया खिलाफ नशा तस्करी दीआं रिपोर्टां बारे ट्वीट कीता है। सिद्धू ने कहा है कि 25 साल लंबे समय के इंतजार तो बाद एसटीएफ अते सूबा सरकार वालों बिक्रम मजीठिया खिलाफ नशा तस्करी बारे रिपोर्टां दी कल पंजाब अते हरियाणा हाईकोर्ट वालों जांच की जाएगी। अफगानिस्तान तो भारतीयों की वापसी लिए लगातार भारत सरकार कोशिशों में जुड़ी गई है। इसे लैके सरकार वालों अफगानिस्तान के हालातों उपर सारिया पार्टिया की एक बैठक बुलाई गई जिथे विदेश मंत्री एस जयशंकर अफगानिस्तान के हालातों उपर सब विरोधी दलों को जानकारी दी। तालिबान वालों अफगानिस्तान अपने कब्जे में ले लिया गया है। लगातार उतों की तस्वीर सामने आ रही विदेश में आके अफगानिस्तान वसे उन्होंने सब देशों वालों अपने नागरिकों को उतों बाहर कढ़िया वापस लिया जा रहा है। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਆਸ। आम आदमी पार्टी के एमएलए मीत हेर ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਤੇ 40 ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। एक बार फिर तो सिद्धू ने मजीठिया ते साध्या निशाना। सिद्धू ने हाईकोर्ट च मजीठिया खिलाफ नशा तस्करी दीआं रिपोर्टां बारे कीता ट्वीट।